back. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टैग टीवी से मैं हूं निमरा कवल। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। के ख़िलाफ़ लड़ने वाले ग्रोह की कैनेडियन ह्यूमन राइट्स कमीशन के ख़िलाफ़ शिकायत। कैनेडियन हुकूमत से ह्यूमन राइट्स एक्ट में तरमीम का मुतालबा। आलमी तंजीम से भी अहम मुतालबा कर दिया। कैनेडा में मुस्लिम ग्रुप्स का अरकान पार्लियामेंट को मसाजिद में मदऊ करने से इनकार। मुस्लिम ग्रुप्स ने अरकान पार्लियामेंट को ख़त लिख दिया। मुस्लिम ग्रुप्स की जानिब से इसराइली जंगी जराइम की मुजम्मत का मुतालबा किया गया है। कैनेडा ने गैर मुल्की तलबा की आमद पर 2 साल के लिए पाबंदी आयद कर दी। पाबंदी का इतलाक सिर्फ डिप्लोमा और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के बैरूनी तलबा पर होगा। स्टडी परमिट की तजदीद कराने वाले तलबा पर इसका इतलाक नहीं होगा। मंगोलिया में शदीद सर्द मौसम से 20 लाख जानवर हलाक। 2.1 मिलियन मवेशी सख्त मौसम में भूख और थकन से हलाक हुए। मंगोलिया के 6 सूबों में मौसम शदीद सर्द है। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Eco Fresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन ना सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। लाइटो इमिग्रेशन इज ए रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। वी डील इन स्टडी, वर्क, पीएनपी एंड पीआर वीजास, गेट स्टार्टअप वीजास, वर्क परमिट एंड बिजनेस वीजास। वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। लाइटो इमिग्रेशन। कनाडा में सियाह फाम नस्ल परस्ती के खिलाफ लड़ने वाले एक इत्तेहाद ने ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन से कहा है कि वो ग्रुप के साथ कैनेडियन ह्यूमन राइट्स कमीशन की मंजूरी का जायजा ले। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा में सियाह फाम नस्ल परस्ती के खिलाफ लड़ने वाले एक इत्तेहाद ने ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन से कहा है कि वो ग्रुप के साथ कैनेडियन ह्यूमन राइट्स कमीशन की मंजूरी का जायजा ले। ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन एक तंजीम है जो अक़वामे मुत्तहिदा और घरेलू इंसानी हकूक की तंजीमों के दरमियान पॉलिसी और कार्रवाई को मरबूत करती है। इत्तेहाद ने कहा है कि वो चाहते हैं कि बैन अल-अक़वामी इंसानी हकूक के कानून के खिलाफ वर्जी और पेरिस के उसूलों पर अमल करने में नाकामी पर गनहरी की तरफ से कनाडा के इंसानी हकूक के दायरे का जायजा लिया जाए। कैनेडियन ह्यूमन राइट्स कमीशन विफाकी महकमों और एजेंसियों, क्राउन कॉरपोरेशंस और निजी शोबे की तंजीमों जैसे बैंकों, एयरलाइंस और टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों से शिकायत वसूल करता है और उनकी तहकीकात करता है। ये फैसला करता है कि कौन से केस कनाडा के इंसानी हकूक के ट्रिब्यूनल में जाएंगे। गुज़िश्ता मौसम बहार में कनाडा की हुकूमत के इंसानी वसाइल के इदारे ट्रेजरी बोर्ड ऑफ कनाडा सेक्रेटेरिएट ने इत्तला दी के CHRC ने अपने ही सियाह फाम और नस्ल परस्त मुलाजमीन के साथ इम्तियाजी सलूक किया है। इत्तेहाद ने एक बयान में कहा, तंजीमों को उम्मीद है कि यह कार्रवाई CHRC के अंदर अहम इसलाहात का बाइस बनेगी, इस बात को यकीनी बनाएगी कि इंसानी हकूक के मौसर तरीके से तहफ़ और एक जामा माशरे को फ़रोग दे सके। इत्तेहाद ने कहा कि वो CHRC की फंडिंग में कटौती नहीं देखना चाहता, लेकिन चाहता है कि वो निज़ामी नस्ल परस्ती का मुकाबला करने के अपने किरदार को पूरा करे। इत्तेहाद वफाकी हुकूमत से मुतालबा कर रहा है कि वो कैनेडियन ह्यूमन राइट्स एक्ट में तरमीम करे ताकि शिकायत CHRC के जरिए बराह रास्त कैनेडियन ह्यूमन राइट्स ट्रिब्यूनल तक जा सकें। इत्तेहाद ये भी चाहता है कि CHRC के किरदार को तब्दील किया जाए ताकि ये ट्रिब्यूनल के सामने शिकायत करने वाले लोगों की मदद के लिए काम करे। ग्रुप ने कहा कि वो एम्प्लॉयमेंट इक्विटी एक्ट में तरमीम करना चाहता है ताकि इंतहाई बेहतर अंदाज में अक्कासी की जाए
और खास तौर पर सियाह फाम और दीगर एक्विटी के मुस्तहिक ग्रुपों को नामजद ग्रुपों के तौर पर शामिल किया जाए। इत्तेहाद ने कहा कि वो ये भी चाहता है कि वफाकी हुकूमत एक सियाह फाम एक्विटी कमिश्नर का तकर्र करे जो पार्लियामेंट के एक अफसर के तौर पर खिदमत अंजाम दे जिसके इख्तियारात कनाडा के ऑडिटर जनरल के बराबर हों। इत्तेहाद ने कहा कि कमिश्नर को हुकूमत की तमाम सतहों और अवामी खिदमत में मसावात को यकीनी बनाने का काम सौंपा जाएगा। इत्तेहाद ने कहा कि वो ये भी चाहता है कि इम्तियाजी सलूक के मुर्तकिब पाए जाने वाले सरकारी मुलाजमीन को उनके अमाल के लिए जवाबदेह ठहराया जाए। कनाडा में मुस्लिम ग्रुपों का कहना है कि मेंबरान पार्लियामेंट को उस वक्त तक मसाजिद में खुश आमदीद नहीं कहा जाएगा जब तक वो गजा में जंग बंदी का मुतालबा नहीं करते। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा में मुस्लिम ग्रुपों का कहना है कि मेंबरान पार्लियामेंट को उस वक्त तक मसाजिद में खुश आमदीद नहीं कहा जाएगा जब तक वो गजा में जंगबंदी का मुतालबा नहीं करते। मेंबरान पार्लियामेंट के नाम खत में मुस्लिम ग्रुपों ने UNRWA की फंडिंग की बहाली, इजरायली जंगी जराइम की मजम्मत का मुतालबा किया। रमजान की आमद से चंद रोज कबल एक कौमी मुस्लिम तंजीम और मुतादित मकामी इज्तिमा पार्लियामेंट के अराकीन को मुतनब्बा कर रहे हैं कि जब तक वो गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा नहीं करते अक्वामे मुतहदा की इमदादी एजेंसी के लिए फंड्स की बहाली का मुतालबा करते हैं और उनकी मजम्मत नहीं करते तब तक उनका मसाजिद में इस्तकबाल नहीं किया जाएगा जिसे वो इसराइल के जंगी जराइम कहते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ कैनेडियन मुस्लिम और मुतादित मुमताज मसाजिद के दस्तखत शुदा खुले खत में कहा गया है कि जो अराकीन पार्लियामेंट ये अहद अवामी तौर पर करने से इनकार करते हैं उन्हें हमारे इज्तिमा से खिताब करने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया नहीं किया जाएगा। खत में कहा गया है कि अगर आप अवामी तौर पर मंदरजा बाला तमाम बातों का एहतराम नहीं कर सकते तो हम आपको अपने इज्तिमा से खिताब करने के लिए प्लेटफॉर्म फराहम नहीं कर सकते। रमजान इंसानियत का महीना है। इस रमजान में पहले से कहीं ज्यादा सिर्फ वही मेंबरान पार्लियामेंट जो इंसानियत से हमारी वाबस्तगी में शरीक होंगे हमारे मुकद्दस मकामात पर हमसे खिताब करने के लिए उन्हें खुश आमदीद कहा जाएगा। खत में ये भी कहा गया है कि अराकीन पार्लियामेंट को इसराइल को हथियारों और फौजी साजो सामान के बहाव की मुखालफत करनी चाहिए और बगैर इंतकामी कार्रवाई के खौफ के फलस्तीनी आवाम के साथ इजहार यकजहती के कनाडा के हक के लिए खड़ा होना चाहिए। जुमेरात को खत के बारे में पूछे जाने पर वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि वो किसी भी मस्जिद का दौरा करेंगे जिसमें उन्हें मदु किया गया है। ट्रूडो का कहना था कि मैं कम्युनिटीज खास तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी के साथ बातचीत करने के लिए पूरे मुल्क में कैनेडियनों के साथ दौरा करता रहूंगा जो दुनिया के दूसरी तरफ जो कुछ हो रहा है उसकी वजह से तकलीफ में है। वजीर आजम ने मजीद कहा कि वो फौरी तौर पर इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी यरगमालियों की रिहाई और खत्ते में मजीद इमदाद की फराहमी पर जोर देते रहेंगे। कनाडा ने गैर मुल्की तलबा की आमद पर 2 साल के लिए पाबंदी आयद कर दी है। कैनेडियन हुकूमत के मुताबिक रिहाइश और सेहत आमा के निज़ाम पर बढ़ते हुए दबाव के बायस गैर मुल्की तलबा की आमद पर पाबंदी लगा दी है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा ने गैर मुल्की तलबा की आमद पर 2 साल के लिए पाबंदी आयद कर दी है। कैनेडियन हुकूमत के मुताबिक रिहाइश और सेहत आमा के निज़ाम पर बढ़ते हुए दबाव के बायस गैर मुल्की तलबा की आमद पर पाबंदी लगा दी है। कनाडा के इमिग्रेशन के वजीर मार्क मिलर ने कहा है कि कनाडा रवां साल 360,000 गैर मुल्की तलबा को स्टडी परमिट जारी करेगा। कनाडा के तमाम सूबों में इस हवाले से यकसा पॉलिसी इख्तियार की गई है और हर सूबे को पाबंदी के मुताबिक बैरूनी तलबा की आमद रोकने में किरदार अदा करना होगा। इस पाबंदी का इतलाक सिर्फ डिप्लोमा और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के बैरूनी तलबा पर होगा। स्टडी परमिट की तजदीद कराने वाले तलबा पर इसका इतलाक नहीं होगा। इस पाबंदी से तालीम के इजाजत नामों और तालिका वीजों के इजरा में कमोबेश 35% कमी वाकई होगी। 2022 में कनाडा में गैर मुल्की तलबा की तादाद 8 लाख थी जो 1 अशरे पहले के मुकाबले में 2,14,000 जायद थी। तालीम मुकम्मल करने वाले तलबा को पब्लिक प्राइवेट मॉडल के सनती और तजारती इदारों में वर्क परमिट भी जारी नहीं किया जाएगा। मार्क मिलर ने कहा कि हुकूमत की नरमी का फायदा उठाते हुए बास जामियात और दीगर तालीमी इदारों ने अपनी रिहायशी और तदरीसी गुंजाइश से कहीं ज्यादा गैर मुल्की तलबा को बुला लिया है। इसके नतीजे में सेहत आमा के मसाइल भी पैदा हो रहे हैं। कनाडा में आम रिहायशी यूनिट की कीमत 5.5 लाख अमरीकी डॉलर तक जा पहुंची है। किरायों में 22% तक इजाफा हुआ है। खुश्की से घिरा मुल्क मंगोलिया में शदीद ठंड और बर्फबारी के नतीजे अब तक 20 लाख से ज्यादा जानवर हलाक हो चुके हैं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। खुश्की से घिरा मुल्क मंगोलिया में शदीद ठंड और बर्फबारी के नतीजे में अब तक 20 लाख से ज्यादा जानवर हलाक हो चुके हैं। मंगोलिया के वजारत ज़राअत के गंतोलगा के मुताबिक पीर तक
2.1 मिलियन मवेशी सख्त मौसम में भूख और थकन से हलाक हो गए, जिनमें भेड़, बकरी, घोड़े और गाय शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मंगोलिया में दिसंबर से मार्च के दरमियान शदीद सर्द मौसम का होना मामूल की बात है। मुल्क में इन महीनों के दरमियान कुछ इलाकों में पारा -50 तक गिर जाता है। हुक्काम का बताना है कि मंगोलिया के 6 सूबों में इस वक्त मौसम शदीद सर्द है और सख्त मौसमी हालात से मुतासरा शहरियों को खुराक फराहम करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। हुक्काम का कहना है कि मौसम सरमा का आगाज शदीद बर्फबारी से हुआ, लेकिन अचानक हवा का दर्जा हरारत बढ़ गया और बर्फ पिघल गई, जिसने पिघलने वाली बर्फ को मजीद बर्फ में तब्दील कर दिया। इस बर्फ की वजह से मवेशियों के लिए नीचे की घास तक पहुंचना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। वाज़ेह रहे कि मंगोलिया की आबो हवा शदीद किस्म की है। मौसम सरमा बहुत सर्द और मौसम गर्मा मुतदल होता है, जिससे बहुत से लोगों और जानवरों की मौत वाकिया होती है। Thank you.